हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 05। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला टू अ पर्सपेक्टिव फार्मूला। This video is very important for those students who are preparing for GE or NEET with 12th. So, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बड़ी सिंपल और इजी वे में। ये आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, जो प्लस का निशान है ये वाला, इस टाइप का फॉर्मूला जिसमें फोर साइड में सबसे नीचे H, ऊपर CH2CH3, साइड में यानी लेफ्ट साइड में Br एंड राइट साइड में CH3 अटैच है। इस टाइप का ये मैंने जो निशान लगाया, ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये रोटेशन हम कैसे दिखाते हैं, तो वो मैंने पहले से ही खींच दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इस टाइप का अगर कोई फॉर्मूला आपको बुक में पढ़ते समय दिखाई दे तो समझ लीजिए ये फॉर्मूला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। और अगर आपको इस टाइप का फॉर्मूला दिखे जिसमें देखिए आप ये थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिसमें दो बॉन्ड आपको देख रहे हैं इस टाइप के बने हुए हैं, जिसे हम इसको बोलते हैं हैच बैज और इसको बोलते हैं सॉलिड बैज। दो बॉन्ड है, हैच बैज और सॉलिड बैज। ये भी देखिए हैच बैज और सॉलिड बैज, इस तरीके से फोर बॉन्ड इसमें भी लगे हुए हैं थ्री डायमेंशनल फॉर्मूले में, और इसे बोला जाता है पर्स पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। आज का जो वीडियो है वो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको बेसिक्स सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो जो हर रोज आपको मैं दे रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का में हमें क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हमें पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अगर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे ये दोनों फॉर्मूले राइट हैं, वो ही आपको एक सिंपल ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल ट्रिक है कि ये आपको फॉर्मूला बना हुआ है, तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो क्या चीज़ हमें याद रखना है, सिंपल सा है कि इसका हमें कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर हमें आता है कि ये R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है, या रोटेशन हमें आता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में फॉर्मूला है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी हमारा उसी कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे, ये फोर साइट हैं, इसमें जो एटम सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला हो उसको हम नंबर वन देते हैं। तो देखिए Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर इसको नंबर वन दे दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर इससे कम जो है वो इस C का है, दो C है यहाँ पर, तो इस C के बाद ये C अटैच है, तो इसको प्रायोरिटी टू दी जाएगी, तो ये नंबर इसको मैंने टू दे दिया। ये तीसरे नंबर पर आता है और H सबसे लास्ट में फोर नंबर हम इसको देते हैं। जो लास्ट नंबर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ले लीजिए, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, और सबसे कम वाले को H नंबर दीजिए। उसके बाद आप इसे रोटेट कीजिए, तो देखिए वन के बाद क्या आता है टू, और टू के बाद थ्री, उसके बाद आता है फोर। फोर नंबर को नेगलेक्ट कर दीजिए, ये कहीं भी आए, बीच में आए, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा रोटेशन देखिए वन टू थ्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम ये वाला एरो निशान लगाएंगे, ये क्लॉक डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जब होता है तो इसे आर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। जब ये आर है, और साथ में मैंने कल वाले वीडियो में ये भी आपको बताया था कि ये जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो एच है, अगर ये वर्टिकल बॉन्ड पर है
तो इस रोटेशन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो रियल रोटेशन है वो ही रहेगा। लेकिन अगर ये एच यहाँ पर या यहाँ पर होता, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर एटम अगर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर होता, तो उसके बाद में ये रोटेशन को हम अपोजिट, या अगर ये राइट हैंड साइड में रोटेशन है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन मानते और इसका कॉन्फिगरेशन एस होता। ये सारी बात मैं पिछले यानी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूं। यहां पर तो ये वर्टिकल बॉन्ड है, तो आपको बस रोटेशन देखना है, तो आंसर क्या आया, आर। अब इस फॉर्मूले को मुझे इस फॉर्मूले में यानी पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो जो कॉन्फिगरेशन इसका है वो ही कॉन्फिगरेशन इसका होना चाहिए, राइट। तो कहीं से भी सीख लीजिए, इसका एक तरीका है, बड़ी सिंपल ट्रिक है। क्या है सिंपल ट्रिक, जो फोर नंबर का लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जो एटम है, चाहे एच हो या कोई अदर होता, उससे हम हैच बैज पर रखेंगे। ये है हैच बैज, ये सॉलिड बैज है, ये हैच बैज। सॉलिड बैज बैज से हैच बैज हमेशा ऊपर की साइड में होता है, तो ये आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो पहले इस तरीके का बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तीनों फॉर्मूला एक ही है, हैच बैज ऊपर है, सॉलिड बैज नीचे है। तो इस हैच बैज पर हमें एच पहले ही लिख लेना है, सबसे पहले आपका ये काम होगा, इसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर एटम को हमेशा हैच बैज पर लिखा जाता है। अगर वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता तो उसे वर्टिकल बॉन्ड पर लिखा जाता है, अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो आंसर जो आएगा उसका जस्ट अपोजिट होगा आंसर। अगर आंसर आपका कॉन्फिगरेशन का आर है तो उसे फिर एस रिप्रेजेंट करेंगे, अगर जो मैंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन पर नहीं है तो। इसलिए एच को हमेशा कहाँ रखना है, आपको हैच बैज पर रखना है, सॉलिड बैज पर नहीं रखना है, राइट। पहला काम हुआ। अब आपके पास ये थ्री ग्रुप हैं, Br, C2H5 एंड CH3। अब आपकी मर्जी है, ये कहीं भी रखिए, लेकिन एक तरीका बताता हूं को आपको इसको कैसे रखना है। आप नंबर डाल दीजिए, देखिए इसको नंबर वन मान लीजिए, ये नंबर वन है, ठीक है, इसको नंबर टू मानिए और इसको नंबर थ्री दे दीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं, वन टू थ्री नंबर आप डालना सीख लो, फिर कहीं भी रख देना। वन टू थ्री आपने इसको वन माना है, एक बार वन इसको मान लीजिए, ठीक है, तो टू इसको और थ्री इसको, इस तरीके से नंबर अपने मन से डाल। तीसरा और क्या कंडीशन हो सकती है, आप वन इसको मान लीजिए, टू इसको और थ्री इसको, सॉलिड बैच को, इस तरीके से तीन नंबर आपने डाल दीजिए। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको कहीं भी उल्टे सीधे तरीके से नहीं करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को कहां रखना है, वन नंबर पर। तो ये देखिए वन नंबर, ये बी आर ये है, तो मैं यहां पर बी आर लिख देता हूं, देखिए ये बी आर। टू पर क्या लिख देना है, टू ए है, देखिए तो सी एच टू, सी एच थ्री, और थ्री पर क्या है, सी एच थ्री, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सी एच थ्री। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है या फिर इस तरीके से कर लिए, वन को मैंने ये मान लिया, आप कोई भी मान सकते हैं, थ्री डायमेंशनल है, केवल एच को छोड़ दीजिएगा, तो वन की जगह पे मैं फिर से वही बी आर लिखूंगा, यहां देखिए साइड बदल दी। टू पर क्या लिखना है, सी एच टू, सी एच थ्री, और थ्री पर लिखना है मुझे सी एच थ्री ओनली। ये वाले फॉर्मूले देखिए, मैंने वन को यहां माना तो वन पर लिख लेते हैं बी आर, टू पर सी एच टू सी एच थ्री, और थ्री पर सी एच थ्री, फोर को, ये नंबर फोर है, हाइड्रोजन नंबर फोर पे है, इसको काउंट नहीं करते हैं। अब आप देखिए रोटेशन, अगर मैं इसको वन नंबर मानू, मान क्या रहा हूं वन नंबर, यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, बी आर की, तो वन ए होगा, टू ए होगा, थ्री होगा, तो रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी इसका रोटेशन भी कैसा है, आर होगा। यानी इसका ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूला बन सकता है जो कि 100% राइट है, या फिर ये भी बन सकता है, देखिए वन टू एंड थ्री, ये भी आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है और ये आर होगा।
इसमें देखिए ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ये भी आर होगा। यानी इन तीनों फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं और तीनों फॉर्मूले राइट हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें से मैं मान लीजिए वन पे बी आर है और सी एच थ्री थ्री नंबर को सी एच थ्री को यहाँ रख दूँ और सी एच टू सी एच थ्री को यहाँ पर रख दूँ तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जो टोटली रॉन्ग होगा। यानी आपको यानी कुल मिला के क्या है, कुल मिला के इसमें जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसमें होना चाहिए, वो फॉर्मूला 100% राइट पर्सपेक्टिव फॉर्मूला होगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक जिसमें कि एच को आपको यहाँ पर रखना है जो डैश 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 लगा, इसको बोलते हैं हैच वेज और ये होता है सॉलिड बैज। तो हैच बैज पर लोएस्ट प्रायोरिटी रखो, बचे हुए थ्री नामों पे आप किसी को भी कहीं रखो लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज आना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन भी काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए। इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंदों को जिनके ट्यूशंस अभी तक नहीं लगे हैं, जो ट्यूशंस नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो कोटा नहीं जा सकते हैं, कृपया ऐसे छात्रों के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे उनका पूरा पूरा फायदा उन्हें मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।